जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ, और हम हैं किसान पाठशाला में। आज जिला सुल्तानपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश अयोध्या मंडल में हमारे साथ कुछ केले के किसान मित्र हैं। रटौन प्रबंधन में हम लोग आए हैं कि एक्चुअली किसान गड़बड़ क्या करता है, जिस वजह से उसका अच्छा उत्पादन नहीं आता। तो मैं आपका जल्दी से एक परिचय करवा देता हूँ सभी का। भैया नमस्ते। नमस्ते, आपका परिचय? चन्नाथ पांडे, ग्राम पंचायत देवरा, तहसील बल्दीरा, जनपद सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। जी जी, दुर्गेश कुमार शुक्ला, फैजाबाद से आए हुए हैं, तहसील मिल्कीपुर है। आपके यहाँ तो आना है हमने, तैयारी करो। नमस्कार जी, मैं चंद्रशेखर उपाध्याय, ग्राम सेवरा, पोस्ट देवरा, जनपद सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश से। नमस्ते भैया, मुन्नालाल तिवारी, गांव देवरा, जिला सुल्तानपुर के रहने वाले। मैं पप्पू तिवारी, ग्राम देवरा, पोस्ट देवरा, जनपद सुल्तानपुर। तो फेमस आदमी है पूर्वांचल के। आलोक सिंह सर, ईटगांव, मिल्कीपुर, जिला अयोध्या। अच्छा, आप भी मिल्कीपुर से? जी जी जी। जय हिंद सर, छोटेलाल शुक्ला, ग्राम ईटगांव, पोस्ट मिल्कीपुर, जिला अयोध्या। अरे वाह, अच्छा मिल्कीपुर से हमें मोहब्बत है। हाँ, मोहब्बत होगी ही आपको। इसका भी कारण बताएंगे। जी जी जी, आइए। अभी क्या है, जैसे अभी आप ये ऐसे एक तो आप खेत को किस तरफ से बोना है वो सीख लो जी। हमेशा खेत की दिशा दक्षिण और उत्तर होनी चाहिए। अच्छा, इसका कारण है धूप ज़्यादा चाहिए केले को। तो केले को पूरा पश्चिम मत लगाइए आप, उत्तर दक्षिण बहो। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। जिस खेत में मेरे उत्तर दक्षिण था पहले साल, उसका उत्पादन उससे 5 किलो ज़्यादा आया। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि यार खेत सेम, सिर्फ मेड़ी तो चेंज थी, ऐसा क्या हो गया? अरे अब पकड़ गए कहानी, क्योंकि इस दिशा में सूरज पूरा लगता है जी, जी। और अगर ऐसे बना देंगे हम तो इसकी छाया इस पे आ जाएगी, इस पे आ जाएगी। तो कभी भी क्या रखना है, उत्तर दक्षिण, ये एक मेन पॉइंट है। दूसरा, जैसे ये आपने यहाँ डाला हुआ है, अगर आपके पास ड्रिप है, अगर आपके पास ड्रिप है तब आपने ये यहाँ कचरा डालना है, वरना इसको कहाँ डालना है? इसको पकड़ो यहाँ, जरा कष्ट। हम जींस वींस वाले आदमी है नहीं यार, हम बने लोअर पहनने के लिए। नहीं बताइए, हम डाल देते हैं ना। नहीं नहीं, खाना तो आपको है ना, हमारे डालने क्या फायदा। हम लोग इसलिए नहीं डालते थे, दीमक कहीं लग जाए। नहीं नहीं नहीं, अब ये आपने दोनों तरफ से यहाँ पे आपका डेढ़ डेढ़ फीट जी, डेढ़ फीट इधर और डेढ़ फीट इधर जी, आपकी जो जड़ें आएंगी ना, फिडर रूट, खाना खाने वाली, वो यहाँ पे कभी नहीं आएगी जी, जी। तो जब आएगी नहीं तो खाना यहाँ को दे रहे हो जी। जब मेरी जीभ यहाँ जाएगी नहीं तो यहाँ लॉलीपॉप रखने से क्या फायदा? जड़ कहाँ तक आएगी? यहाँ से 27 इंच ज़्यादा यहाँ लास्ट जी, तो हमारी मल्चिंग यहाँ तक होनी चाहिए, इसकी मल्चिंग यहाँ तक होनी चाहिए जी। अब जब मल्चिंग हो गई, अब आप ध्यान से देखो जी, यहाँ पे मल्चिंग थी तो घास आई क्या? नहीं 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 सर, नहीं नहीं, नहीं। और ये देखो नीचे, अब यहाँ पे जीभ जीवाश्म शुरू हो गया जी, जमीन को खोदना शुरू कर दिया कीड़ों ने जी 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 जी, डिकम्पोजिशन शुरू हो गया जी। तो ये देखो छेद हुए जी, कीड़े शुरू हो गए। अब अगर ये इसकी जड़ में रहेगा तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो यहाँ पे आपके खरपतवार नहीं आएंगे जी, आपकी जड़ें बढ़िया चलेंगी शानदार जी, उनके ऊपर पैर नहीं रखोगे आप। अगर खेत साफ है तो भैया ने पैर रख रखा है, अगर वहाँ पे कचरा होता तो ये इधर खड़े होते। अब आपकी जगह बची बीच में 2 फीट जी, ये 2 फीट में ट्रैक्टर चलाओ, फावड़ा चलाओ, खुरपा चलाओ, खुद चलो, जो मन करे वो करो, लेकिन पौधे के लिए 70% जगह छोड़ दो। इसको बोलते 70-30 कॉन्सेप्ट हमारा वाला। अब जो आपने बीच में डाल रखा है, लोग क्या करते हैं यूपी में, भैया हमने जैसे आपने बोला था बीच में डाल दिया, अरे भाई वो ड्रिप पे है। अगर यहाँ पे ड्रिप होता तो हम क्या करते, तो यहाँ पे हम एक नाली बनाते जी, 1 फीट गहरी 1 फीट चौड़ी जी, एक नाली उधर बनाते जी। तो अब आप बाहर जाके ध्यान से देखेंगे तो ये एक बेड बन गया 10 फीट का जी। अब हमें अगर इस खेत में कुछ काम करना है तो इस नाली में करेंगे, उस खेत में इस पेड़ में कुछ काम करना है तो उस नाली में करेंगे। ये पौधे का बेड है, बेड मतलब बिस्तर, आरामदायक। अगर हम आपको एक बेंच पे सुलाएं तो ज्यादा कंफर्टेबल सोगे, या डबल बेड पे ज्यादा कंफर्टेबल सोएगा आदमी, वैसे इसको डबल बेड देना है जी। तो इसकी जड़ों को काम करने के लिए क्या है, फिर हमने यहाँ से लेकर के वहां तक इसको ढकना है मल्चिंग से, और जब ये पूरे में मल्चिंग रहेगी तो इसकी जड़ें स्वतंत्र चलेंगी, यहाँ पे आपका चक्र होगा नहीं। आप जब चलोगे नहीं तो जड़ें दबेंगी नहीं और जड़ें टूटेंगी नहीं, समझ रहे हैं आप? समझ गए। तो और यहाँ पे ड्रिप आ जाएगी, एक ड्रिप यहाँ आ जाएगी, एक ड्रिप यहाँ आ जाएगी, उसकी नमी से मस्त ये पौधे बिंदास होकर चलते हैं।
तो अगर ड्रिप है आपके पास तब आपने ये बीच वाले में भरना है, वरना तो नाली पाली। पानी कैसे देना है? ओडीवन ओडीवन, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, ये सब गलते 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 आप देखोगे नीचे चला जाएगा। अब बात आती है जैसे आपका आपने पौधे रखे छोड़ ये वाला, तो ये अब देखो रिवर्स होने शुरू हो गए। मेरे ख्याल से ये हरा पत्ता रखा था आपने, हरा पत्ता रखा था, तो ये रिवर्स होना शुरू हो गए जो मैं आपको कल वीडियो में बता रहा था। अब ये सारा न्यूट्रिशन इस पौधे को दे रहा है जी, ये पूरा इसको खींच रहा है, खींच रहा है। अभी तक आपने इसको कितना खाद पानी दिया है? अभी कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है, ये अभी तक इसके भरोसे चल रहा है जी। ठीक है, चला भी बहुत सुंदर, देखो गैप बहुत बढ़िया गैप दिया इसने, लेकिन यहाँ पे आके जब ठंडी शुरू हुई तो इसको इसमें फंगस आई जी। ये देखो फंगस आ गई, इसमें फंगस आई और इसको आपका आवश्यकता थी, आपने इस पर मिट्टी का स्प्रे करना था। देखो दो चीज़ें हैं, या तो आयुर्वेदिक दवाई खाओ जी, या तो इतने फिट रहो कि जीवन में ना आयुर्वेदिक की जरूरत पड़े ना एलोपैथिक की जी। अब सात्विक पे जाना है तो एलोपैथिक दवाइयाँ खाओ, सॉरी ये होम्योपैथिक, और अगर होम्योपैथिक भी नहीं खा रहे, शरीर का ध्यान भी नहीं रख रहे और बोल रहे हो कि मैं तो दवाई खाऊंगा नहीं, मैं पूरा सात्विक आदमी, तो मर ही जाओगे भैया जी, फिर तो अंग्रेजी लेनी ही पड़ेगी, समझ रहे कि नहीं जी। भाई या तो मिट्टी का स्प्रे करो तो ये कोई समस्या आएगी नहीं, मिट्टी का स्प्रे मुश्किल लग रहा है नहीं कर पा रहे तो भैया रासायनिक में जाओ, अब रासायनिक भी नहीं कर रहे मिट्टी का भी नहीं कर रहे तो लफड़ा हो जाएगा, फिर तो फसल गई तो गई। तो इसमें आपको मिट्टी का स्प्रे लेना चाहिए था, यदि आप छोटे से पौधे से ही अगर एक 10-10 दिन पर भी मिट्टी का स्प्रे कर दें तो मुझे तो लगता नहीं कहीं किसी पौधे में समस्या आती है, फंगस वायरस सब खत्म। अब बात है कि प्रेजेंट कंडीशन में क्या करा जाए जी, तो प्रेजेंट कंडीशन में इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ ट्रीटमेंट बताऊंगा, चौकिंग को तोड़ने का जी वो निकालना है, दूसरा नीचे से जड़ों में मिट्टी लगवाओ, आप आपके खेत में देखो मिट्टी नहीं है, नहीं नहीं पौधा जो है वो टंगा हुआ है हवा में जी, तो इसको आपने ये जो दिख रहे हैं ना ये जी 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 ये ज्वाइंट जी जी दिख रहा है, ये ऐसे भी यहाँ तक मिट्टी होना चाहिए जी। अच्छा जी, आप इस पे मिट्टी, इसको जरूरत नहीं मिट्टी लगवाने की, इस पे लगवाइए। अच्छा हाँ, यहाँ तक नीचे नीचे मिट्टी लगेगी तो ये भागेगा। दूसरा 200 लीटर पानी में 2-2.5 किलो चूना बिना भुजा आप डाल दो जी। डालने के बाद उसको 2-3 घंटे छोड़ दो, फिर 200 ml प्रति पौधा डालना कहाँ है, ये साइड में 2 किलो एक बालिश दूर, पानी 6 इंच दूर यहाँ से, तो जड़ें गर्म रहेंगी। ठीक है, 200 लीटर पानी में 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, एग्रीकल्चर वाला जो जो आपको रात बताया था मैंने, वो 200 लीटर पानी मिलाओ, बड़ी सावधानी के साथ 200 लीटर पानी में डालो और धीरे धीरे एक एक बूंद एक एकड़ खेत में आने दो, बेहतरीन डोज है, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, मिट्टी ढीली होगी, खेत की बॉन्डिंग टूटेगी। दूसरा वेस्टी कंपोजर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पानी में चला सकें उतना अच्छा, 200 लीटर पानी में कम से कम एक बार में 200 लीटर एक एकड़ में आपने चलाना है, 2 किलो सर हाँ। तीसरा, अभी इसको तुरंत जादू करने के लिए 200 लीटर पानी में सरसों की खली वाला जो मैंने आपको बताया हुआ है जी, 20 किलो सरसों की खली, 5 किलो चूना, सॉरी 2.5 किलो चूना और 5 किलो नमक जी, मिला करके 4 दिन रख दो, उसके बाद जड़ में दे दो, एक हफ्ते के अंदर आपको पता लगेगा हमने क्या इसके अंदर हुआ है कलाकारी। ठीक है, एक वो कंडे वाला जी, उसके बाद में कंडे वाला करा दो, 10 कंडे उठाओ पानी में डाल दो सूखे जी, गीले तो हलवा बन जाएंगे जी, और फिर उसके बाद निकालो, फिर सूखने के लिए रख दो, और उसके अंदर शुरू में ही 400 ग्राम नमक, 400 ग्राम सेंधा नमक, 200 ग्राम फिटकरी डाल दो, घोल लो, अब उसका भी ड्रिंजिंग करा दो। अभी तक हम खाद पे तो नहीं गए, रासायनिक पे नहीं, बस जाने भी नहीं है, ये पेड़ी लगभग इसी में हो जाएगी, मुझे नहीं लगता इस पेड़ी में आपको खर्च करने की जरूरत है। अच्छा, अब ये जो भी दे 15 किलो 20 किलो 25 किलो, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये प्रक्रिया लगभग जाड़ों में चालू रखेंगे, वो जो सरसों की खली वाला है वो 20-20 दिन में कर देंगे हम, ठंडी निकलने के बाद फरवरी में इसमें झमाकेदार एक झटका देंगे, वो मैं आपको बता दूंगा क्या करना है उस समय में। अच्छा, इसकी परिस्थिति देख करके फिलहाल चौकिंग खोलने के लिए इसमें हमें कुछ टॉप ड्रेसिंग देनी पड़ेगी जी, और नीचे से दो एक दो ड्रिंचिंग होंगी, वो हर पौधे की परिस्थिति के हिसाब से अलग होता है, तो वो मैं यहाँ सबके सामने बताना नहीं चाहता, आप लोगों को चाहिए तो मैंने सभी को बोला हुआ है, धुप्पल में खेती नहीं होती, धुप्पल समझते हैं आप, जबरदस्ती हवा में खेती करते फिर रहे हैं, एक बार बता दिया केले में ये कर दो पश्चिमी यूपी में, मर जाएंगे लोग, आपके मेरे जिला दोनों यूपी में आते हैं, मेरे यहाँ पे टेम्परेचर आपके यहाँ पे गर्मी है जी, मेरे यहाँ चल के देखो समझ में आ जाएगा ठंडी किसको बोलते हैं।
धरती आसमान का अंतर है यहाँ आने के बाद। तो आपके पौधे की परिस्थिति के अनुसार मैं बता दूंगा। तो जिसका भी जैसे आप लोग मुझे भेज रहे हैं वीडियो, मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ उनको कि आप ये करो, कुछ चेंजेस लग रहे हैं तो बदल रहा हूँ उसमें। तो आप लोग वीडियो भेज दो, ऐसा नहीं है कि नीचे कमेंट करो कि भैया यहीं बता दो। 94070328222 मेरा नंबर वीडियो के नीचे है दिया हुआ, मैसेज करने में शर्म आ रही तुम्हें तो फिर मत भेजो, मैं तो मना नहीं करता किसी को। तो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा क्या आपके फसल में करना है। एक चमन्नी नहीं है, एक रुपया कोई फीस नहीं है। तो ये इसमें आपको दो काम करने हैं, दो तीन काम, दो तो ये सरसों कलवार वाला, एक चूने वाला, ये तीन आपने करने हैं और बाकी एक मैं आपको अभी लिखवा दूंगा, ठीक है। उसमें टॉप ड्रेसिंग होगी दो बार, यहाँ से यहाँ पर डालना जी, ऊपर नहीं यहाँ बस, ताकि इसमें 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 तुरंत चौकिंग खोल देगा। और नीचे सरसों वाली सर देखा, 20 किलो सरसों के खाली, 2.5 किलो चूना और 5 किलो समुद्री नमक मोटा वाला, खड़ा वाला, पहले चूना डालना है, 2.5 घंटे छोड़ना है। अच्छा उसी दिन उसको भी कर दिया? हाँ, और उसके बाद में नहीं, उसको पहले भरने में 2-3 दिन लगेंगे। हाँ। फिर उसके बाद नमक डाल दो 1-2 घंटे के बाद, और नमक के साथ में ये सरसों डाल दो 200 लीटर पानी में, सरसों एक खाली घोल के रख दो, 2-3 दिन में बन जाएगा। ये इसमें करना है फिलहाल आपको उठाने के लिए। दूसरा, अगर आप देना ही चाहते हैं, नहीं भाई मेरा मन नहीं मान रहा है जी, तो फिर आपने क्या करना है, 1000 पौधे के लिए 12-32-16 लेना है आपने, 50 किलो जी, अगर मिलता है यहाँ तो मिलता है 12-32-16 50 किलो सरसों की खली, 10 किलो 10 किलो सरसों की खली, 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 3 किलो सल्फर WDG, यूरिया नहीं देना पेड़ी को कभी भी। आप लोग रटून को यूरिया देते हो, इसलिए पौधा पहुँच जाता है, सीढ़ी लगा के फल काटते हो, हमारा पेड़ भी इतना ही बड़ा होता है बस। अच्छा। हाँ, तो वो मैग्नीशियम सल्फेट हो गया आपका, सल्फर हो गया, और इसके अंदर पोटेशियम होमेट 400 ग्राम, पोटेशियम फुलबेट 50 ग्राम, ये सबको लो और 3 गुना गोबर की खाद में मिलाओ, 8 दिन रखो और पौधे की जड़ में मिल्चिंग उठाओ, नीचे डाल दो, पानी लगा दो, ये जाड़ों का इसका काम फिट, खत्म कहानी, बेहतरीन पेड़ी बन जाएगी। इसमें मेहनत लगेगी आपके 8-10 दिन, 1 हफ्ते लग जाएगा उसको तैयार करने। हाँ, 1 हफ्ता, तो इतना बाकी काम करो, इनमें भी तो समय लगेगा, जो चीज़ें बाहर से आएंगी उनमें भी समय लगेगा। तो ये आपका बेहतरीन चलेगा जी। और मिट्टी का स्प्रे जी, अभी मिट्टी का स्प्रे तो होगा नहीं, तो अभी इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, सबसे पहला काम करना है 200 लीटर पानी, 4 किलो ब्लीचिंग पाउडर जी घोलो, पौधे के तने पर यहाँ पर डालना है जी, 200 से 300 ml, ठीक है। उसके बाद एक दिन छोड़ के अगले दिन 200 लीटर पानी, 400 ग्राम ब्लू कॉपर, 4 पत्ते स्ट्रेप्टोसाइक्लिन गुनगुने पानी में डाल के उसके अंदर, मैंने कल भी बताया था ये, उसके अंदर आपने फिर लेना है आपका ये ब्लू कॉपर हो गया, 200 ग्राम सुक्रोज, वाइसरोमीटर फिलहाल नहीं है तो ऐसे ही डाल देना, लेकिन मंगवा लो वो जरूरी होता है, और 200 ग्राम पोटेशियम होमेट, ये सब चीज़ों को मिला करके फिर यहीं पे देना है 200 से 300 ml ऐसे ऊपर फिर के। हाँ, आप देखोगे ये रॉकेट की तरह भागेगा फिर जी। बीमारी, पहले बीमारी तो ठीक करो, फंगस आ रही है, पौधा परेशान है, क्योंकि इसमें आप स्प्रे तो कर नहीं पाओगे जी। और आप मिट्टी का स्प्रे तने पे करवाओ जी, पत्तों पे मत करो, यहाँ से लेके नीचे तक स्प्रे कराओ आप हर हफ्ते। मिट्टी कौन सी रहेगी? कोई सी भी आपके खेत के पास बताएं, मिट्टी का बताऊंगा आपको, बताएंगे बताएं। तो आपने जो लेना है तने पे स्प्रे जो करोगे ना, मिट्टी का पूछ लीजिएगा, ये तने पे बहराइच में किया, एक लड़का भेस आर्मी में है, उसके पिताजी ने करवाया ये, तो उनको बहुत आनंद आता था स्प्रे करने में, तो पत्तों पर नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने तने पे कर दिया, वो इतना मोटा तना बना जाकर, ऑब्वियसली वो ये पत्ता ही तो है भाई, इस पत्ते का निचला रूप कहाँ है, ये तो है, ये पत्ता ही तो है, ये और क्या है, तो ये खा रहा है ना अंदर, अगर ये सोख रहा है तो ये भी सोख रहा है, ये भी सोख रहा है, समझ रहे हैं आप, भोजन दे भी ले रहा है। हाँ, तो इस पे भी करोगे तो जबरदस्त रिजल्ट है, आप करके देखो। इसको लेकर के कोई सवाल? रटून सब चीज तो बता दिया, कुछ पूछा नहीं गया। चलो ठीक है।